छात्रों के साथ साथ शिक्षक भी जो है इस प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। हमारे साथ शिक्षक कुणाल है, उनसे जाकर कुणाल आप लगातार छात्रों को पढ़ाते रहे हैं, इससे पहले जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे थे वो कम्प्लीटली छात्रों का घेराव था, आपने कह भी दिया था कि इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना है, और अब जो है देखिए एक बार फिर से वही नज़ारा देखने को मिल रहा है, छात्र फिर से सड़क पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कहा जा रहा है जीएल परीक्षा जो था वो फेयर तरीके से नहीं हुआ और जो 4 फरवरी को एक और परीक्षा जो आयोजित थी उसे भी रद्द होना चाहिए। आप भी पढ़ाते हैं, जो अभ्यर्थी को एक्सपेक्टेशंस होता है कि परीक्षा हो और उसके बाद नौकरी मिले, आप भी पढ़ाते हैं, आप भी सोचते हो कि नहीं मेरे जो पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें नौकरी मिले, नया स्टूडेंट्स आए उन्हें भी पढ़ाएं, एक नया दौर चलता रहे और ये सिलसिला जारी रहे। आपको भी दुख होता होगा इस तरह का जब घटनाएँ सामने आती हैं। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि इस स्टेट का दुर्भाग्य है, ये हमारे राज्य के छात्रों का दुर्भाग्य और कह सकते हैं कि हम टीचरों का भी दुर्भाग्य है कि हम एक ही स्टूडेंट को पढ़ाते पढ़ाते थक गए, एक ही बैचेस को बार बार पढ़ाते पढ़ाते थक गए हैं। और इस स्टेट की ऐसी विडंबना रही है कि देखिए 8 सालों में एक एग्ज़ाम 8 घंटे भी नहीं टिक पाया, ये बहुत बड़ी विडंबना है। और पेपर को एक रात पहले जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था भेड़ बकरियों की तरह जो है हर जगह वायरल हुआ, ये ना कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बहुत मामला पहले से सेट था और उसके कई पुख्ता प्रमाण जो है सोशल मीडिया पे है और मैंने इसका सबसे पहले खुलासा किया था। पहले तो मैं डर रहा था लेकिन जब मैं पूरी तरह से वेरीफाई हो गया कि नहीं पेपर पूरी तरह से आउट है तो मैं तुरंत लाइव सेशन आके और मैंने छात्रों को बताया ये बात है। उसके बाद जब मैंने हौसला दिया तो तमाम हमारे दोस्त फिर अपने हौसले को दिखाते हुए, चूँकि वो जो नया कानून एंटी चीटिंग बिल जो आया है उसकी वजह से लोग डर गए थे, डरना अच्छी बात है लेकिन ये कानून मैं आपको स्पष्ट बता दूँ ये उनके लिए लाया गया जो भ्रामक तथ्यों को फैलाते हैं। अगर आप सही है तो डरने की कोई बात नहीं है, जिस तरह मैं नहीं डरा कोई छात्र नहीं डरेगा। और देखिए ये हुजूम बता रहा है आपको, ये जो फिरायलाल चौक जो पिछले 1.5 घंटे से ऊपर जाम है ये हुजूम बता रहा है कि छात्रों के अंदर का करेज जाग गया, उनका गुस्सा जाग गया है, वो जो मेहनत इतने सालों से करते आ रहे हैं पिछले 8 साल से, 2015 की परीक्षा मुझे आज भी होती थी याद है, 28 दिसंबर 2015 को जेएसएससी सीजीएल का विज्ञापन आया था, 21 अगस्त को प्रीलिम्स हुआ था और अक्टूबर में रद्द हुआ था, उसके बाद से लगातार ये स्टेट जो है ये स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम सचिवालय सहायक जिसको अब एसओ बोलते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जहां से पॉलिसी मेकिंग होती है ड्राफ्टिंग होती है, मतलब इतने बड़े पद का एग्जाम सबसे पहले आप अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो क्वेश्चन पेपर लग रहा था कि कोई कलर का क्वेश्चन पेपर है, मतलब कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है उसका। ठीक है, देखिए सभी लोग बता रहे कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इनफैक्ट मैं 10 साल से पढ़ाई छोड़ चुका हूं, अगर मुझे इस पेपर बैठाया जाता तो 120 प्लस मार्क आता। और पेपर में कई जगह देखिए सील टूटा हुआ था, ठीक है, कई एक जगह छात्रों का यह भी आरोप है कि पेपर को जोरेक्स पेपर लगाया गया था। और अगर आप एक बात पे गौर करेंगे जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता कि वो सही है, बट एक फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है वो इस तरह से लिया गया है फोटो का और वो एक रात पहले का है, वो उस पूरे फोटो को जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि वो क्वेश्चन पेपर का पूरा एज इट इज है, वो पूरा एज इट इज़ है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़े स्कैम की ओर इशारा कर रहा है। और मैंने जो ट्रेंड चलाया है CBI फॉर JSSC CGL, जब तक ये नहीं होगा ये मुहिम अब नहीं रुकेगी। और सबसे पहले मैं 22 कूप के माध्यम से मैं सरकार को और आयोग को ये बता देना चाहता हूँ कि 4 फरवरी की जो परीक्षा होने वाली है वो तत्काल उसको जो है स्थगित करे, रद्द मैं नहीं कर रहा, स्थगित करे उसको। और पेपर 2 जो कल, पेपर 3 तो उन्होंने खुद से कैंसिल कर दिया लेकिन पेपर 2 अभी तक कैंसिल नहीं है और उसका भी हमारे पास पूरी तरह से और सभी लोगों के पास प्रमाण है, या तो आप खुद से कैंसिल कर दीजिए अदरवाइज आपकी किरकिरी फिर से होगी और आप फिर रद्द करेंगे। और इतना नहीं, इस पूरे प्रकरण का जांच करके देखिए, पिछले बार जब जैसे जेई का एग्जाम हुआ था पेपर लीक हुआ था तो 1-2 बंदों को छोड़ के उसे पूरी तरह से लेपा पीती हुई थी और उसका ओरिजिन कहां से था, कितने लोगों के पास गया था, कौन कौन लोग संलिप्त थे, ऐसा कोई भी जो मार्केट में किसी के पास, इनफैक्ट मीडिया, आप भी मीडिया पर्सन, आपको भी शायद याद नहीं होगा इस तरह का कुछ आया था। लेकिन इस बार हमारी डिमांड है कि कौन लोग इसमें संलिप्त है उनकी जांच होनी चाहिए, एजेंसी की क्या संलिप्तता है उनकी जांच होनी चाहिए, एजेंसी ब्लैकलिस्ट होना चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग समय पे बताएंगे आपको। और संभवतः परसों दिन हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, अभी हम लोग उस पर चर्चा फाइनल नहीं हुआ है लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहे हैं। और जितने भी राज्य के छात्र हैं मैं सभी से अपील करूंगा कि इस बार किसी को कोई बस ट्रक पानी और ये सब कुछ नहीं दिया जाएगा। अगर आपके अंदर स्वाभिमान है तो आप अपने आपको यहाँ लड़ाई करने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, आपको यहाँ अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए, चूँकि आप पीड़ित हैं इसलिए आपको खुद से आना है और अपनी डिमांड मंगवाना है। और जब तक ये डिमांड पूरी नहीं होगी CBI फॉर JSSC CGL तब तक किसी
किसी भी हिलाल में यहाँ से टिकना हटना नहीं है। अच्छा, ये सिंडिकेट पूरा काम कर रखा है, जिस तरह से आपने देखा जैसे जेईई में भी हुआ था, 2 से 3 परीक्षा आयोजित की गई थी, सभी परीक्षा रद्द करना पड़ा था, फाइनली परीक्षा हुआ, लेकिन अभी तक रिजल्ट उसका भी नहीं आया। जी बिल्कुल नहीं आया, और अगर आप देखिएगा तो कई एक सारी त्रुटियाँ हैं। त्रुटियाँ मैं आपको दिखा दूँ, उस रोस्टर में अगर आप देख लीजिए तो रोस्टर एक ऐसी प्रक्रिया है जो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। जो रोस्टर बनाते हैं रोस्टर वालों को भी पता नहीं है कि रोस्टर की प्रक्रिया क्या है, और ये मैं नहीं, आप लोग भी जाकर पूछ सकते हैं। बच्चे जाके बराबर प्रवीण टोपोजी से मिलने का प्रयास किए, देखिए स्टेनो वाला बच्चा लोग, स्टेनो वाला बच्चा लोग का क्या गलती था, उन्हें फॉर्म भरा, एग्जाम की तैयारी कर रहा है, एग्जाम रद्द हो गया और उनका अभी तक नहीं आया है। अभी तक उनकी गलती है? उनकी गलती तो है नहीं, वो लोग दर बदर भटक रहे हैं, उनसे प्रवीण टोपो मिलने के लिए मना कर रहे हैं। उसके बाद आप देख लीजिए, कई एक उदाहरण है सिपाही का, देख लीजिए जो रिसेंट में आया है। वैकेंसी को देखने के बाद प्राइम ऑफिस यही लगता है कि वैकेंसी को पूरा न करने के लिए ही निकाला गया है, और शायद इसीलिए मैंने अभी तक उस पर कोई स्टेटमेंट दिया। रोस्टर पूरी तरह से गड़बड़ है, पुरुष से ज़्यादा महिलाओं का सीट है। मुझे महिलाओं की सीट से आपत्ति नहीं है, बट गढ़वा, पलामू, धनबाद ये सब में तो पुरुष का सीट ही नहीं है। तो जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, तो इतने सालों के बाद आई, उसके बाद भी मात्र 4000 वैकेंसी, जबकि बहुत सारे पद खाली है, मात्र 4000 वैकेंसी। आप पीजीटी पे देखिए, गौर करके देखिएगा, एक आरोप लगा था पीजीटी पे, एक आरोप लगा था, अगर आप गौर करके देखिएगा कि आंसर सीट देखिए, ये देखिए पीजीटी में जो हुआ था, पीजीटी का आंसर की बदला गया था, और ये बदला क्या गया था, ये आरोप था छात्रों का, उस पर आयोग ने ये बोला कि ये एक सॉफ्टवेयर का डिबग है, जो मुझे पता चला, मैं इस पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ना इसकी पुष्टि कर रहा हूँ। उसके बाद आप देख लीजिए, लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, लैब असिस्टेंट के एग्जाम में 90% से ऊपर कट ऑफ चला गया भाई साहब, 90% से ऊपर, और लड़कों ने कहा कि सर माउस अपने आप हिलाया, सर्वर हैक हुआ है, ये सारा कुछ हुआ है। अब तो इस बात पे जो है, अब जो ये शक था, अब तो ये जो है पूरी तरह से मुझे ऐसा यकीन होने लग रहा है कि वाकई उसके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। और एक मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि मैं इसके भी अभी पुष्टि नहीं करता, जिस लड़के ने बोला हो सकता है 2 दिन के अंदर मुझे पेपर दे दे, 70 नंबर लाया हुआ लड़का जनरल कैटेगरी का, और वो सेलेक्टेड है। मैं अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, कल से परसों अगर मुझे वो दे देता है, जो लड़के ने प्रॉमिस किया है, जिस लड़के ने, अगर देगा तो मैं मीडिया के सामने खुलासा करूंगा कि 135 वाले 130 वाले लड़के का नहीं हुआ जनरल कैटेगरी में, 70 वाला का कैसे हो गया, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया मैं भी जानता हूँ, इतना थोड़ी होगा कि 60-60 क्वेश्चन होगा, 60-60 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इस पूरी प्रक्रिया पे एक शक के घेरे में है, पूरी प्रक्रिया शक के घेरे में है, पूरी एजेंसी शक के घेरे में है, और हमारी एक डिमांड कि जब तक पूरा एग्जाम की जांच ना हो, आगे वाले परीक्षा स्थगित नहीं हो, सीबीआई जांच की इंक्वायरी का ब्लूप्रिंट सबके सामने नहीं आए, तब तक कोई भी एग्जाम नहीं होगा। लड़के 4 महीना नहीं, आप सबसे पूछ लीजिए, 8 महीना भी रुकने के लिए तैयार है, देखिए सब लोग तैयार है, 4 महीना नहीं, 8 महीना भी तैयार है, लेकिन एग्जाम फेयर होना चाहिए, कोई सीट यहाँ का कोई बाहरी नहीं ले जाने देंगे किसी भी हाल में, और जब तक ये मुहिम, जब तक ये सरकार इस पर अपनी सहमति नहीं प्रदान करेगी, ये नहीं रुकेगा मुहिम, किसी भी हाल में नहीं रुकेगा, चलता रहेगा, और जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। और इनका कहना है कि परीक्षा आयोजित नहीं होनी चाहिए, अगर उसके लिए इंतजार करना पड़े तो इंतजार भी करेंगे। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन राजबल्लभ के साथ नीरज कुमार, रांची।